सिवनी मालवा में नगर पालिका द्वारा सरकारी सामान के दुरुपयोग का मामले को लेकर युवक कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि नगर पालिका सिवनी मालवा के सीएमओ के घर, नगर पालिका के डे केयर के एसी और इंजीनियर के घर पर जिम का सामान व्यक्तिगत उपयोग करने का आरोप लगा है, जिसके बाद विवादों में चली आ रही नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सिवनी मालवा नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जनता के उपयोग की चीजों का उपयोग किया जा रहा है। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सारी शासकीय वस्तुएं हैं जिनका उपभोग नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा, जो कि पूर्णतः गलत है। शनिवार को इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन देकर ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में कलेक्टर होशंगाबाद को भी इस समस्या से अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव देवेंद्र मोनू यादव, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रोशन कावदे, आईटी सेल ब्लॉक अध्यक्ष उत्कर्ष गौर, युवा नेता प्रवीण रघुवंशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये शासकीय संपत्ति का उपयोग नगर पालिका के कुछ अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, उसके बाबत दिया गया, क्योंकि जनता के उपयोग की चीज शासकीय कर्मचारी अपने उपभोग में ले रहे हैं, जो कि गलत है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ था कि नगर पालिका के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जनता के हित की जो सामान है, जैसे जिम का सामान, एसी, बाकी के सामान अधिकारी लोग अपने घर पर ले आकर उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आज कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को ये पता चला तो उन्होंने आज मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम पर ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जो सामान जनता के उपयोग के शासकीय सामान है उसका उपयोग जनता को करने दिया जाए, अन्यथा आगे हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब ऊपर भी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, जिसके लिए आज हमने ज्ञापन दे चुके हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक दो दिन में एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से भी इसकी शिकायत की जाएगी और अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जाएगी।